कैस्टर ऑयल आयुर्वेदा में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है. आज हम देखते हैं साइंटिफिकली इसमें कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जो ये इतना मुफीद है. इसके अंदर होता है राइसिनोलेइक एसिड जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इंक्रीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 को कम करता है. ये किस बला का नाम है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स होते हैं जब आप गंजापन हो रहा होता है ना या बाल गिर रहे होते हैं, हेयर फॉल, उसमें PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन D2 इंक्रीज हो जाता है. अगर आप राइसिनोलेइक एसिड यानी कि कैस्टर ऑयल लेंगे और उसका मसाज करेंगे स्कैल्प के अंदर तो PGD2 में कमी करेगा, तो ये बालों की नशोनुमा करेगा, गंजेपन को खत्म करेगा. कैस्टर ऑयल होता है एंटी इन्फ्लेमेटोरी जिसकी वजह से वहां जहां भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन हुई हुई है, पफिनेस हुई हुई है, जिस आंखों के नीचे मसाज करेंगे तो वो खत्म होगी. ये होता है एंटी बैक्टीरियल, आपके एक्नी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म करेगा. कुछ लोग कहेंगे जी हमारे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो बड़ा थिक होता है, ऐसा नहीं होता. ये बैक्टीरिया को खत्म करेगा, इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा, तो एक्नी एक्चुअली कम होंगे. ये एंटी एजिंग करता है क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है. आपके फाइन लाइन झुरियां जहां जहां प्रेजेंट है उनको खत्म करेगा क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट है, आपके फ्री रेडिकल को खत्म करेगा, इसलिए एंटी एजिंग है. लेक्सेटिव होता है यानी कि अगर आप इसको बाय माउथ लेंगे तो कब्ज कुशा होगा, तो ज्यादा ना ले लें कहीं आपके डायरिया ना लग जाए. उस यूट्रस जो होता है ना बच्चेदानी औरत की, उसके अंदर स्टिमुलेशन करता है यूट्रीन मसल्स की, इसकी वजह से क्रैम्पिंग होगी और लेबर इंड्यूस हो सकती है. इसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतों को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर कैस्टर ऑयल प्रेजेंट हो. आप इसको अपनी आईब्रोज, आई लशेज और लिप्स पे लगा सकते हैं. लिप्स पे चूंकि कड़वापन आ जाएगा, आप इसको दूसरे आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ मिला सकते हैं, आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे. अब आपने इसको लेना है कैसे? आपने इसको हमेशा डार्क बॉटल में लेना है ताकि ये डीनेचर ना हो. इसके ऊपर चार चीजें लिखी होनी चाहिए, 100% प्योर ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड केमिकल फ्री. आप जब रात की स्किन केयर खत्म कर लेते हैं ना तो इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं. 30 मिनट के लिए छोड़ दें, गर्म पानी से तौलिया निकाल के वाइप ऑफ कर लें या सारी रात लगा रहने दें, आपकी चॉइस है. ये बड़ा जबरदस्त मॉइस्चराइजर है, स्किन के अंदर बड़ा डीपली पेनिट्रेट करें.